नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इन दिनों वेतन की समस्या से जूझ रहे। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि कंपनसेशन में कमी और निकाय लगातार बढ़ने के कारण 90 से 95% निकाय कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा, जिसके चलते कर्मचारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की नगर निगम नगर पालिकाओं और नगर परिषद द्वारा 1986 में चुंगी कर यात्री कर वसूल किया जाता था। जैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा निकायों से लेकर वाणिज्य कर विभाग को वसूली का दायित्व सौंप और प्रत्येक निकाय को एक निश्चित राशि प्रतिमान निर्धारित की गई है और उक्त राशि में हर साल 10% की वृद्धि करने का प्रावधान था। 2018 में मध्य प्रदेश में लगभग 378 नगरीय निकाय थी, तब वित्त विभाग द्वारा वेतन भोगी के रूप में 324 करोड़ रुपए प्रतिमा क्षतिपूर्ति राशि दी जाती थी। वर्तमान में 413 निकाय हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाने की वजह घटकर 300 करोड़ कर दी गई। निकायों द्वारा आय के साधन घटा दिए गए, जिसके चलते यह स्थिति निर्मित हो रही है, जिसको लेकर नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अवगत कराया और जल्द विभिन्न विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। जी सर, नगरी निकाय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और नियमित कर्मचारी की वर्तमान में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में नगरी निकाय के जितने कर्मचारी हैं, चाहे अपने कर्मचारी की बात करें, दैनिक वेतन भोगी की विनियमितीकरण की बात करें, सबसे पहली समस्या तो वेतन को लेके है। आज मध्य प्रदेश में करीब करीब 90 से लेकर 95% निकाय जो हैं वो वेतन के लाभ नहीं दे पा रही, वेतन समय पर नहीं दे पा रही। इसका मुख्य कारण ये है कि कंपनसेशन में कमी होना और निकाय बराबर बढ़ते जाना। जो अपने ग्राम पंचायतों को समाप्त करके नगर परिषद जो बनाई गई है, तो ग्राम पंचायत को जो वेतन भत्तों का भुगतान होता था उनके कर्मचारियों को, जब वो नगर परिषद में आ गए तो उनका जो फंड है वो नगरी निकायों को मिलना चाहिए। अब जब 378 नगरी निकाय थी, कंपनसेशन 324 करोड़ रुपए मिल रहा था, आज 418 नगरी निकाय, लेकिन कंपनसेशन 324 करोड़ रुपए कम होकर 300 करोड़ हो गया है। उसमें अघोषित कटौती बिजली की है, यात्री की प्रकोष्ठ के नाम पे अघोषित कटौती चल रही है। इसके साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी में कमी कर दी, तहबाजारी बंद कर दी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, तो सारी चीजें आप बंद कर दोगे तो आय के साधन नगरी निकाय के सारे समाप्त कर दोगे, तो यथास्थिति बनना है। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से ये 46 महीने जो गुजरे हैं, वर्ष 2000 में जो अपने समय था वो वाला समय आज की तारीख में चल रहा है। वर्ष 2000 जब अपने दिग्विजय सिंह जी शासनकाल था, आप ये मान के चलिए कि उस वक्त तो स्थिति बड़ी खराब थी, कोई 4 महीने, कोई 8 महीने, कोई इतने महीने पीछे चल रही थी। आज वर्तमान में स्थिति है, मध्य प्रदेश में धामनोद नगर पालिका ने इतिहास रच दिया है, 11 महीने पीछे चल रही है सैलरी में, इतिहास रच दिया है 11 महीने पीछे चल रही है। चंदेरी है, ब्यावरा है, खिलचीपुर है, राजगढ़ है, रायसेन है, प्रदेश में 90 से लेकर 95% निकायों में सैलरी नहीं हो रही। हमने अभी प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को हमने अवगत कराया कि सब ये कंपनसेशन जो बढ़ा है हमें बढ़ना चाहिए था, स्टाम्प ड्यूटी जो 2% की 1% कर दी है उसको 2% होना चाहिए था, तहबाजारी जो बंद कर दी है उसको वापस चालू करें, वरना स्थिति अराजकता की स्थिति निर्मित होगी। मध्य प्रदेश का कर्मचारी आज नगरीय निकाय का रिटायरमेंट हो रहा है, या अपने नगर निगम भोपाल की बात करें, 21 से लेकर 22 से जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा है उसको वेतन भत्तों का भुगतान नहीं हुआ है, उसको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिली है, उसको लिव इंकैशमेंट नहीं मिल रहा है, उसको GPF नहीं मिल रहा है, उसको ब्याज, तो आखिर आदमी रिटायरमेंट के बाद करेगा क्या जब पैसा ही नहीं मिल रहा है? अराजकता की स्थिति। दूसरी चीज, एक खास बात अपने नगरीय निकाय में देखने को मिलती है, जो भी मध्य प्रदेश शासन आदेश जारी करता है वो नगरीय निकायों में 7 से लेकर 9 साल बाद लागू होता है। हम अपने दैनिक वेतन भोगी की बात करें, एक आदेश दैनिक वेतन भोगी का मई 2016 में हुआ, उसको लागू किया 2017 में, इसके बाद उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, इसके बाद अभी भी 1 सितंबर 16 से लेके जो कर्मचारी हैं उनका विनियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया। इसको लेके हमने 5 बार आंदोलन भी कर चुके हैं, प्रदेश में कम से कम 20,000 कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतन भोगी लाभ से वंचित हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सरांठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.